बाजवा चौधरी आज घातक में हम आपको वो खबर दिखाएंगे जिसने चीन पाकिस्तान में खलबली मचाकर रख दी है। हिंदुस्तान ने एक ऐसे किलर कॉम्बो का परीक्षण कर लिया है जिसका मुकाबला खतरनाक से खतरनाक शत्रु भी नहीं कर सकता। ये भारत के ब्रह्मास्त्र का त्रिशूल अवतार है। सबसे पहले इस घातक की एक झलक देखिए और फिर आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। हिंद के लड़ाकू को मिला विनाशक ब्रह्मास्त्र। शक्ति का दोहरा प्रहार शत्रु भूमि में हाहाकार। बटन दबेगा पूरा पाकिस्तान और आधा चीन मिटेगा। बटन दबेगा पूरा पाकिस्तान और आधा चीन मिटेगा। फरवरी 2019 ये वो तारीख है जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनकी बुजदिल ब्रिगेड कभी नहीं भूलेगी। हिंद के वायुवीरों ने दहशतगर्दों का अड्डा बन चुके बालाकोट में लड़ाकू विमानों से बम वर्षा कर आतंकी अजगरों को जहन्नुम पहुंचा दिया। लेकिन अब एक गुस्ताखी का मतलब होगा दुश्मन की सरजमी पर बालाकोट से भी बड़ा हमला। तैयारी पूरी हो चुकी है, बिना सरहद पार किए आतंकिस्तान को पलक झपकते ही कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। आज इमरान को डराने वाली इस भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए हम मोदी और पुतिन की एक सीक्रेट मिशन से जुड़ी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। यकीन मानिए, देखेंगे तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आसमान का शत्रु संहारक बादलों का सीना चीरता हुआ टारगेट को नेस्तनाबूद करने की फिराक में है। दुश्मन की वॉरशिप समंदर में तैनात है। अगर इसे लड़ाकू विमान दिखाई दे गया तो इसे समंदर से ही मिसाइल दाग कर ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसलिए बिना वक्त गंवाए पायलट एक्शन में आया और उसने मिसाइल लॉन्च कर दी। काउंटडाउन शुरू हो गया और 10 सेकंड बीतने से पहले इस घातक मिसाइल ने अपने लक्ष्य को भेद दिया। नीले समंदर में पलक झपकते ही आग की लपटें उठना शुरू हो गई। कुछ ऐसे ही विध्वंसक तेवरों के साथ भारत ने डबल शक्ति का टेस्ट किया। 17 दिसंबर को हिंदुस्तान ने ओडिशा के चांदीपुर मिसाइल परीक्षण रेंज से दो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का शक्ति परीक्षण किया। सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई और टारगेट डिस्ट्रॉय वॉरशिप को अंजाम देने में कामयाबी हासिल हो गई। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुश्मन के लिए इतना घातक है कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से पूरे पाकिस्तान के इलाके को इससे कवर किया जा सकता है और इसकी जो मार करने की क्षमता दूरी है वो 300 से 400 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी क्षमता यह है कि ये पैराबोलिक स्टेट में फायर होकर
दुश्मन को बिना पता किए उसके एयर स्पेस में एंटर करके दिए हुए ठिकानों को नष्ट कर सकता। अब शक्ति के इस बाहुबली डबल अटैक से चीन पाकिस्तान में खलबली है। एक तरफ घातक लड़ाकू सुखोई 30 MKI है, दूसरे आधे चीन पूरे पाकिस्तान को जद में लेने वाली विनाशक ब्रह्मोस। भारत पहले मिसाइल कंट्रोल रिजिम का हिस्सा नहीं था, लेकिन शामिल होने के बाद तब हमारे इस रेंज मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर थी और अभी इसको बढ़ाकर 400 किलोमीटर किया गया है। दूसरा, इस मिसाइल से आप धरती, आकाश और जल तीनों ही प्लेटफॉर्म से इसको फायर करके दुश्मन के किसी भी टारगेट को 400 किलोमीटर की रेंज तक तबाह किया जा सकता है। सुपरसोनिक स्पीड होने के कारण इसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस मिसाइल लॉन्च के मायने आपके लिए क्या हैं? ये आपको समझाने के लिए हमने एक खास तैयारी की है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ओडिशा के चांदपुर में दो तरह के परीक्षण किए गए, एक सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल का और दूसरा आसमान से समंदर में प्रहार करके नेवी वॉरशिप को नेस्तनाबूद किया गया। इसमें सबसे खास है एयर टू सरफेस अटैक मोड मिसाइल परीक्षण। इसका मतलब है अब भारत का घातक सुखोई ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हो गया है। बालाकोट जैसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सरहद पार जाने की जरूरत नहीं, अब सुखोई भारतीय सीमा के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर मौजूद आतंकवादी कैंप को तबाह कर सकता है। और इसी बीच इस वक्त